ट्रॉली गिफ्ट देता हूँ। ट्रॉली गिफ्ट दे रहे हो मेरे को? दे दो मेरे को बड़े में ट्रॉली गिफ्ट मिल रही है, देखो लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले विश कौन करता है? क्यों नहीं चाहिए? मेरा बर्थडे है यार आज। हाँ देखते हैं बच्चों के रिएक्शन, सुने चॉकलेट्स देते हैं तो वो क्या रिएक्ट करते हैं। बढ़िया नहीं आना पड़ेगा आपको, बड़े बड़े ब्रह्मदेव तो खुश करो ना, फिर मजा हो रहा है। ब्रह्मदेव खुश होते हैं ऐसे होंगे, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। देख लो यार अभी देखो क्या कंडीशन में है, और अपना पहले वाली वीडियो देखो। तो कैसे आपने वीडियो देख ली होगी क्या कंडीशन बनी हुई थी बाइक की। एक्चुअली हुआ ये ना, मैंने दो दिन पहले बाइक की सर्विस वगैरह करवाई थी, उसके बाद भी एक बार वॉश कर दी थी, एकदम अच्छी कंडीशन में थी। तो क्या हुआ कि थोड़ा बहुत मौसम ख़राब था, इसमें मतलब धूल वगैरह पड़ गई, तो मैंने बाहर ही रहने दी कि बारिश होगी साफ हो जाएगी। तो भाई ऐसा मतलब बारिश ने गंदा खेल खेला ना मेरे साथ, बुरी हालत बनी हुई थी भाई। तो बड़ी मुश्किल से साफ सूफ की है, अभी हम चलते हैं बाहर, करते हैं कंपेनियन को कोल्ड स्टार्ट। आवाज सुन रही है यार। 2000 years late. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि हर किसी की लाइफ में एक स्पेशल डे होता है, नॉर्मल मतलब बर्थडे तो सबको स्पेशल डे हुआ ही हुआ ना, तो मेरा भी आज बर्थडे है। 10 फरवरी मेरा बर्थडे होता है, तो आज मेरा बर्थडे है। तो अभी सबसे पहले मेरे को सुबह पता ये देखना था कि मन में ये था कि देखते हैं सबसे पहले विश कौन करता है। तो पहले होता था यार, जब मतलब हम भी स्टूडेंट रहते थे तो ऐसे ये क्रेज़ होता था, फ्रेंड्स के बर्थडे हो या कुछ भी हो, हम अलार्म तक सेट कर देते थे 12 बजे के, और जैसे ही 12 बजते थे बर्थडे विश करते थे यार। तो आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना, तो मैं देखना चाहता था कि कब मुझे विश आती है और किसकी आती है। तो सबसे पहले जो मतलब मेरे को विश किया ना, मेरे रूममेट ने किया, ये नहीं कि उसने मुझे ज़्यादा जल्दी या रात को ही कर दिया हो, वो भी मतलब सुबह नॉर्मली उठा 6 बजे के बाद, तो उसने मेरे को विश किया। देन मेरे को विश आई रजत की, मेरा लंगोटी है यार, उसकी मेरे को विश आई। ऐसे तो वो मेरा भांजा लगता है, मैं उसका मामू लगता हूँ, पर लंगोटी है यार है वो मेरी एज का, तो उसकी विश आई। तो मतलब भाई बहन सब मेंशंस करने लगे स्टोरीज वगैरह में, फिर मेरे को देखना था कि भाई सबसे पहले कॉल कौन करता है, क्योंकि सबसे पहले विश तो होगी अब कॉल का था। तो सबसे पहले कॉल मेरे को की मेरी फ्रेंड ने, वो काफ़ी टाइम से मेरी सोशल मीडिया में फ्रेंड है, अंजलि है, वो दिल्ली से है। तो उसने मेरे को कॉल की, तो उसने मेरे को बर्थडे विश किया। तो उसके बाद तो भाई कंपनी टाइमिंग हो गई थी, चला गया कंपनी से बताया, तो फिर तो बहुत सारे मैसेज वगैरह विशेज वगैरह आई हुई थी। और यार बैंक वालों का भी यार बहुत ही अच्छा सीन रहता है भाई, मेल्स करते हैं बहुत अच्छी अच्छी मेल्स की बैंक वालों ने भी बर्थडे विशेज की। तो फिर अभी शाम का टाइम था, मैंने सोचा यार क्यों ना, अब फ्रेंड्स वगैरह तो यार इतने हैं नहीं साथ में, मतलब सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो सोचा क्यों ना मैं इस बार अपना बर्थडे मतलब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं। तो इसलिए मतलब शाम को थोड़ा इस तरह की मतलब लोकेशन स्टेडियम में, जहां लोकेशन आया था वहां पीछे पार्क है, तो पर यहां बैड लक बड़े बड़े यहां पे तो आए हुए हैं सब लड़के बड़के, क्रिकेट वगैरह चल रहा है पीछे स्टेडियम में, पर बच्चे वगैरह कोई नहीं आया हुआ। तो फिर क्या करना, अब चलते हैं किसी और लोकेशन में, क्योंकि फोर्ट में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पार्क में एक पार्क भी है वहाँ पर भी बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे बच्चे मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, मतलब उनके साथ सेलिब्रेट इन द सेंस, मतलब केक वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया हुआ, बस चॉकलेट्स लिए हैं, तो उनको मैं चॉकलेट्स दूँगा। और फिर देखते हैं क्या सीन रहता है, मतलब ये भी मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, एक्चुअली टाइम वगैरह भी नहीं होता, और ऐसे मन भी करता था ना यार, पहले मतलब होता था कि बंदा घर में रहता है या और कहीं, कोई सोर्स भी नहीं था कहीं जाने का ऐसे, और ऊपर से जो मतलब हेजिटेशन होती है वो अलग से होती है। तो अब तो यार बाइक वगैरह है तो मतलब यहाँ तक है मैं जा सकता हूँ, इसलिए मैं सोचा यार मैं ऐसा करूँगा और जाऊँगा बच्चों के साथ वैसा सेलिब्रेट करूँगा। तो अब देखते हैं मतलब क्या रहता है, अब उनके साथ उनकी मम्मीज भी होंगी शायद से, तो वो चॉकलेट्स लेने देती हैं या नहीं लेने देती हैं, तो वो सीन ऐसा सब करने के बाद पता चलेगा। तो कोई ना, बाकी वीडियो में आपने देखा होगा पहले कंपेनियन की हालत थी, कंपेनियन साफ सब किया आए यहाँ पे, चॉकलेट थी, तो सबसे पहले मुझे एक लड़की मिली, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है यार, कंजक से शुरुआत हुई है, तो तब मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, मैंने उसको चॉकलेट दे दी, तो शुरुआत तो अच्छे से होगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और बच्चे मिलते हैं अगर तो उन्हें भी चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, तो गाइस चलते हैं किसी और लोकेशन में। तो गाइस अभी ना स्टेडियम से तो मैं निकल आया हूँ, अब
जा रहा हूँ मतलब, और किसी लोकेशन ढूंढते पार्क वगैरह यहाँ पे हमें बच्चे मिल सकें, तो कोई ना रास्ते में अगर बच्चे वगैरह मिलते तो हम उन्हें भी चॉकलेट्स देंगे और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं चॉकलेट्स को। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। ये देखो कैसे सोए हुए मजे से। तो इन भाइयों को देते हैं चॉकलेट्स। रुकना भाई रुकना, चॉकलेट देना इनको। ये लो भाई। हाँ क्या गजब बेइज्जती है। क्यों नहीं चाहिए, मेरा बर्थडे है यार आज। हाँ बर्थडे है तो मैं दे रहा हूँ। आओ भाई ये ले लो यार चॉकलेट ले लो। ये लो, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ फिर छोटू, थैंक यू भाई, ये ले पकड़। तो यार देखा आपने यार, मतलब साफ मना कर दिया बच्चों ने। तो यही चीज़ में देखना चाहता था कि अननोन से कोई कैसे मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है यार, अननोन से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो चलो ठीक है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जब बोला कि भाई बर्थडे है। अब पता नहीं वो खाएंगे या फेंक देंगे, बट चलो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो गैस अभी ना अब मैं एक फॉर्ड वाली साइड आया हूँ, यहाँ पे भी पार्क है, तो यहाँ भी अब देखते हैं बच्चे का क्या रिएक्शन रहता है। और शुभम काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरी आज मेरे साथ सारा, इसने चॉकलेट वगैरह पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पार्किंग वगैरह भी अच्छी है, बाइक लगा ली है यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गैस करते हैं इंटर पार्क का गेट एक बार, मैंने पहले भी यहाँ का ब्लॉग बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना। और यहाँ पर बच्चे दिख तो रहे हैं वैसे। तो ये रहा भाई पार्क इस तरह का। आप देखते हैं बच्चों के रिएक्शन, उन्हें चॉकलेट्स देते हैं तो वो क्या रिएक्ट करते हैं। अंदर रहने दो, मेरे जान पहचान के हैं, आए होंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे अश्विनी भी अभी मिल गए हैं, तो इनको मैं पहले सबसे पहले इनको चॉकलेट्स देता हूँ। वाह वाह ये क्या है, मेरा बर्थडे है पता तो है ना आपको। रुको रुको भैया रुको। हेलो सर, आप यहाँ कहाँ पार्क में? समोसे होते हैं, मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आया हूँ यहाँ पे। हेलो भाई, पूछोगे नहीं यार किस लिए? तो यार कुछ तो मतलब बच्चे भी वो कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो यहाँ भी इनको देते हैं। लो चॉकलेट्स लो, आप भी लो। ये लो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे बच्चे हैं कुछ देने। है चॉकलेट, आज बर्थडे है भैया का, बर्थडे। ये कैसे पकड़ेंगे? गुड़िया नीचे आना पड़ेगा आपको, ऐसे गिर जाओगे। नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, पहले उतारना इनको। आराम से बेटा, आराम से। ये लो चॉकलेट भैया, आप बच्चे नहीं हो हमारे, ये कुछ नहीं होता भैया, बच्चे दो बाकी सारे साथ। चलो कुछ नहीं होता, रखो आप जो मैं पकड़ लूंगा। यहां पे भाई कितने बच्चे हैं, तीन चार हैं भाई। लो यार चल ले, वे शर्मा रहे हो यार, क्या ब्लॉग बन रहा है आपका? आप ब्लॉग में आओगे? आपको मिला चॉकलेट? नहीं मिला ना, ये लो चॉकलेट। आपको मिला, इनको मिला? ये लो, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे मिल गए यार, अप्रॉक्सिमेटली सबको ही हो जाएगा। आयश ऐसे ऐसे ले गए, ऐसे ले गए चॉकलेट। रुक जाओ भाई, ये लो चॉकलेट, मोस्ट वेलकम। आप क्या करने हो यहाँ? मेरे को ट्राली गिफ्ट देता हूँ। ट्राली गिफ्ट दे रहे हो मेरे को? दे मेरे को बड़े में ट्राली गिफ्ट मिल रही है, देखो लेनी चाहिए या नहीं? ले लो मित्रा दे ट्राली, ये दोगे या वो वाली दोगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने कोई पार्टी शार्टी नहीं करवाई क्या? क्या करूंगा इसको, ये खाली हुआ तो बाकी ले लेंगे, बाकी ले लेंगे अगले महीने 3 तारीख को। गजब बेइज्जती है। अच्छा पार्टी करनी है आपको? हाँ पार्टी रूम में शाम को। कोई नहीं, शाम को सारा मैं काट दूंगा, इसमें लाऊंगा नहीं। हो गई है, पड़ गई है, देख ले। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे
तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिल गए थे, जितनी भी चॉकलेट्स हमने लाए थे सब लग गई, बड़ी अच्छी बात ही है। तो मज़ा आया यार, मतलब खुशी फील हो रही है ऐसे बताने की मन से। भैया तो आएगा ही, 50 रुपए में काम लिपट गया। 50 में कितना? 100 होगा, 70 हो गए, 100 होगा, मतलब मान लो। खुशी से निपटा रहा हूँ जितने भी लगे हो। मजा तो आएगा ही यार, मजा आया ना, काम लिपट गया। अपने पे नहीं लगाए, किसी को खुश किया मैंने, इसमें मजा आया। तो बड़े बड़े ब्रह्मदेव तो खुश करो ना, फिर मजा हो रहा है। ब्रह्मदेव खुश होते हैं ऐसे, उनके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कड़ी तपस्या करेंगे फिर ब्रह्मदेव खुश होते हैं, ऐसा थोड़ी ना। तो गाइस चलते हैं हर बजे वापिस यहाँ से, रूम में जाके और भी काम करना है। तो यहाँ पे अश्विनी भी काफी मौजूद हो रहा है, बहुत फन हो रहा है। हाँ ना, क्लियरिटी है ना, कैमरा लेके दे दो यार एक, मैं कैमरे से बनाया करूँ। फिर मैं फोन से नहीं, कैमरे से ब्लॉग बनाया करूँ। ठीक है अश्विनी, चलें फिर हम। ठीक है, गुस्ताखी माफ, बुलाएंगे। देखो यार पैसे की चिंता मत करो, पैसा बोल। ट्रोल कंट्रोल। तो गाइस जैसा कि अभी मतलब यहाँ पार्क में आए थे हम, फोर्ट में, तो काफ़ी सारे बच्चे मिल गए, चॉकलेट्स वगैरह जो भी थे आराम से सब चॉकलेट्स वगैरह लग गए, तो काफ़ी मज़ा भी आया। अश्विनी भी मिल गए थे मेरे सीनियर ऑपरेटरिंग कंपनी में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, तो बड़ा अच्छा मतलब मज़ा आ गया यार। मतलब एक घंटा आधा घंटा जो भी मतलब हमने अंदर बिताया ना, मज़ा आ गया। तो अब कोई ना चलते हैं रूम में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग ना मेरा आज बर्थडे का, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं आज ही डालूँ। और अगर आपको ब्लॉग मतलब अच्छा लगता है ना, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी करना है करो यार, सपोर्ट करो भाई, मतलब सपोर्ट चाहिए बस। क्योंकि सपोर्ट मिलेगी ना, तो धीरे धीरे जो है बाकी जो पेंडिंग हेजिटेशन वगैरह जो भी है सब खत्म हो जाता है, बस सपोर्ट चाहिए होती है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इंसान मतलब डीमोटिवेट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता मैं डीमोटिवेट हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा जो है ना सच बता रहा हूँ। एक मतलब ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है ना, वो ऑडियंस पर डिपेंड होती है। आप यूट्यूब, आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो भाई कमेंट्स भी किया करो, कमेंट्स भी करोगे तो मुझे पता चलेगा कहाँ कमी आ रही है कहाँ नहीं। तो कमेंट्स वगैरह भी किया करो, बाकी सपोर्ट किया करो यार, फुल सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ूँगा ना। तो बाकी यार यूट्यूब मत सोचो कि कोई इजी मतलब यूज़ करने वाला ऐप है, ब्लॉग्स वगैरह मतलब कुछ भी करने है ना भाई, बहुत मेहनत चाहिए यूट्यूब के लिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो बाकी कोई नहीं, अभी चलते हैं रूम में। तो सबसे बड़ी अच्छी बात कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज मतलब चॉकलेट मतलब बर्थडे वाले मैंने चॉकलेट दिए हैं बच्चों को, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ऐसे तो कितने पैसे हम केक्स वगैरह में वेस्ट कर लेते हैं, तो चलो उससे अच्छा होगा कहीं अच्छी जगह कंज्यूम कर लीजिए पैसे मैंने अच्छी जगह लगा दिए। बाकी इंग्लिश में कुछ गलत वगैरह बोल रहा हूँ तो माफ़ करना, इतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।